तो देखो जी किन्नी वधिया जिहड़ी स्टफिंग भर के तैयार हुई है। स्पैशली जिहड़ी आपां लेयर बनाई है ना बेसन की, वह किन्नी है जिहड़ी नरम बन के तैयार हुई, तो किन्ने स्पंजी ब्रैड पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। ये सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, अज्ज आपां बनावांगे एक अलग तरीके नाल ब्रैड पकौड़े जी, नाल आपां जिहड़ी चटनी भी बनावांगे। चलो फिर रैसपी बनाउणी स्टार्ट करदे हां जी। वीडियो जेकर वधिया लगी लाइक जरूर करो, शेयर वध-वध करो, अपने चैनल नूं जिहड़ा हुणे सबसक्राइब कर लो जी जेकर तुसीं इह वीडियो पहली बार देख रहे हो। तो इत्थे जी मैं कुछ समा पहले ही जिहड़ियां 10 मिनट पहलां जिहड़ियां सुक्कियां लाल मिर्चां गरम पानी दे विच भिओं के रखदियां सी, तो हुण आपां मिक्सी वाले जग दे विच सारा समान पावांगे। इह आपां अपने ब्रैडां वास्ते इक चटनी तैयार करांगे, जिहड़ियां लाल मिर्चां भिओं के रखियां सी इह पा देंगे आपां। तो ये मैं मिर्चा पहला पाती हूँ, जिहड़ा पानी है ये बहुत ज़्यादा है, सारा पानी नहीं आपां वरतना, सिर्फ एक एक चमचा जिहड़ा आपां यही पावांगे जिहदे च आपां मिर्चा भिओ के रखियां सी। ये कुछ लसन दियां कलियां ये पा देंगे आपां, थोड़ा जिहा गुड़ है मेरे कोल, तुसीं खंड भी वरत सकदे हो, ये पा देंगे। अद्धा नींबू निचोड़ देंगे, इत्थे तुसीं इमली भी वरत सकदे हो, खट्टी चीज़ वरतनी आपां जां तुसीं विनेगर वरत सकदे हो। अद्धा चमच काले नमक का पा देंगे, तेन मिक्स करके एक चटनी तैयार कर लेंगे। तो इतने जी आप ब्रैड पकौड़े की स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग है जी आप सरों के तेल से तैयार करेंगे, तुम किसी भी तेल या घ्यो देसी तैयार कर सकते हो। तेल में हल्का जहाँ गर्म करेंगे, तेल हो गया जी गर्म, वधिया खुशबू आन लग गई। तो हुण आप पावांगे थोड़ा जिहा क्रश किया हुआ साबित सुखा धनिया, थोड़ा जिहा जीरा, ये अलग फ्लेवर आता स्टफिंग के। तो इतने मैं मसाला पहले ही जो तैयार करके रखे, ये है जी सुखा साबित धनिया, जीरा, काली मिर्च, तो जिहड़ियां सुखियां लाल मिर्च, तो उन्हां दा मैं पाउडर बना के रख छड्डिया। तो यह आप अद्धा कि चमच जिनी कि स्टफिंग तैयार करांगे उस हिसाब नाल पावांगे, इहनूं ड्राई रोस्ट करांगे। इहदे नाल ही है जिहड़ा आपां अद्धा चमच पा देंगे हल्दी का, तो थोड़ी जी लाल मिर्च पा देंगे आपां, तो इन्हां सारे मसालियां नूं ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चंगे तरीके का मसाला जिहड़ा ड्राई रोस्ट हो गया जी। हुण इह हैगी है मेरे कोल तैयार किया हुआ मिक्सचर हरी मिर्च लसन ते अदरक का, ये आपां थोड़ा जिहा पावांगे, इन्हों भी हल्का जहाँ पका लेंगे। तो हम जी आप आलू है जोड़े इस तरीके मैश करके पा देंगे, आलू में पहले उबाल के आप रख लिया, ठीक है। तो चंगे तरीके जी आलूआन जो आप मिक्स कर देंगे मसालों के नाल, बिल्कुल एक समूथ जहाँ आप जो मसाला ये तैयार करा आलूओं के गंढा ना हो जाए। अद्धा चमच आप टेस्ट अनुसार है जो नमक पा देंगे, तो इन भी मिक्स कर देंगे। स्टफिंग हो गई जी अपनी तैयार, इन्हों थले उतार के जरा ठंडा कर लें। तो इतने जी आप ब्रैड पकौड़े बनाने वास्ते घोल तैयार करेंगे, वो लिए जो आप खुले बर्तन के अद्धी कौली पा लेंगे बेसन की, बेसन में चंगे तरीके छान के लिया आप, बिल्कुल पैकेट वाला बेसन लिया आप, वधिया भी जिहड़े अपने ब्रैड पकौड़े बन के तैयार होन। हुण इहदे विच आप पा लेंगे बेसन के हिसाब ना, यानी कि जिन्ना कु बेसन लिया उन्ना कु नमक, अद्धा कु चमच पाऊंगी मैं, थोड़ी जी लाल मिर्च, थोड़ा जिहा जीरा पाउडर। पहला सारे मसाले नूं जिहड़ा बेसन दे नाल आपां मिक्स कर लेंगे जी। हुण थोड़ा थोड़ा पानी पा के जिहड़ा आपां घोल तैयार करांगे, इक्के वार च आपां पानी नहीं सारा पाउणा, फिर ज़्यादा पतला हो जाऊगा। इत्थे तुसीं हल्दी भी शामिल कर सकते हो कलर दे लई, पर मैं हल्दी नहीं पाई, जे तुहानूं पसंद आए तुसीं हल्दी ऐड कर लिओ घोल दे विच। पहला सारे आप मिक्स कर लेंगे जी, ये गंढा ना हो। तो पहला जी इन्ना क गाढ़ा आप घोल बना के ना, तो इनू फेंटा तीन चार मिनट, ये की है कि ये एयर भर जूगी, तो जे अपने ब्रैड पकौड़े है ना बिल्कुल जिम्मे आप बाजार चो खाने उन्हें उस तरीके बनने, तो ज़्यादा इन्होंने तेल भी नहीं पीना, तो बिल्कुल हल्का जो घोल बन के तैयार होगा ये। फिर बाद पानी होर ऐड करेंगे, तेल से घुमा दे ना सू हल्का जहाँ फेंट लेंगे, थोड़ा जिहा पानी पा के जी आप इन्हूं होर पतला कर लेंगे। पहला चंगे तरीके आप इन्हूं फेंट लिया घोल नूं, ये घोल आप बना के तैयार कर लिया। इस तरीके का घोल देखो होना चाहिए, एक बार है जिहड़ा ये बहना चाहिए इस तरीके, बस पिछों टुटना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। ये जो आप चमच से इन्हें इस तरीके लगा रहे हैं चमच से जिहड़ा ये होल्ड हो रहा, देखो बस ये बिल्कुल सही है जी। इधर अपने कोल हैगे जी ब्रैड, ब्रैड तुसीं कोशिश करो भी वड्डे वरत लिओ तुसीं इस तरीके ना। तो स्टफिंग अपने कोल ठंडी हो चुकी है, स्टफिंग दे विच इत्थे तुसीं नमक मिर्च जिहड़ा चैक कर सकते हो। तो हुण आपां इह तैयार करदे हां जी, सब तो पहलां आपां इक ब्रैड का जिहड़ा पीस रखांगे, तो जिहड़ी आपां इह चटनी तैयार कीती है ये चटनी लगावांगे। चटनी चंगे तरीके ना जी आपां लगा ली है, हुण आपां स्टफिंग लावांगे, इहदे उपर इस तरीके ना
स्टफिंग है ना चंगे तरीके जिहड़ियां किनारियां इन्हां ते भी आपां चंगे तरीके लगा देंगे। वधिया स्टफिंग चंगे तरीके आपां ला दईए जी ब्रैड दा एक पीस ते दूजा पीस है जिहड़ा इस तरीके आपां रख देंगे। सारे पहलां आपां इस तरीके जिहड़े भर भर के रख लाँगे तो सेम उस तरीके जी आप चटनी ला ली है तो हूँ आप स्टफिंग है जी लावे। स्टफिंग ना बस आप दो चमच एक ब्रैड की लावे भी चंगे तरीके जोड़ा ये एडजस्ट हो जाए ज़्यादा मोटी लेयर नहीं आप स्टफिंग की बनावे। तो हम जी इस तरह आप कटिंग करा एक ब्रैड के बच्चों जे अपने तीन सलाइस बन जाएंगे। तुसी इन्हू किसी भी शेप दे जिहड़े कट सकते हो चाहे ट्राईएंगल चाहे तुसी सेम इसे तरीके नाल जिहड़ा इन्हां नू बना सकते हो। तो देखो जी सारे की लेयर किन्नी वधिया बन गई नाले स्टफिंग दी नाले चटनी दी इस तरह सारे तैयार कर लांगे। आपां एक पीस उठावांगे जी इस तरीके नाल आपां जिहड़ा सारे पासियां दो है जिहड़ा इन्हू बेसन दे विच डिप कर लांगे घोल दे। ज़्यादा टाइम ना तुसी भिओ के रखियो फिर इह टुट सकदा ब्रैड। तो गरम गरम तेल दे विच जिहड़ा आपां इन्हू छड्ड देंगे उपरों गरम गरम तेल है जिहड़ा आप उपर पा देंगे जी। तो नाल दी नाल जिहड़ा जी साइड पलट देंगे आप फ्लेम जी मीडियम होनी चाहिए तेल भी मीडियम जहाँ गर्म होना चाहिए ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए। एक्सट्रा बेसन में जोड़ा आप झाड़ देंगे इस तरीके तेल से छड़ देंगे। तो मीडियम जी फ्लेम से आप पकाई चलेंगे जी इस तरीके जी साइडों पलटते हुए आप पका लेंगे जो तक ये हल्के जो गोल्डन नहीं ना हो जाते उदों तक आप इन्हों पका लेंगे क्योंकि आप बेसन में भी चंगे तरीके पकाना गा। तो कढ़ाई जिनी क स्पेस हो उस हिसाब से तुम उन्ने पीस छड़ सकते हो पर थोड़ी मतलब स्पेस हो ज़्यादा पीस एक बार चुना छो फिर जो तेल का टैंपरेचर है ना थोड़ा डाउन हो जाता है इस करके। तो हाँ जी इस तरीके आप देखो साइडा पलटते हुए ब्रैड पकौड़े पका लाँगे ये बहुत ही घट तेल दे विच भी बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरीके साइडा पलटते हुए इन्हों बना लोंगे तो ज़्यादा तेल भी नहीं ये पीने बाद दे बहुत ही स्पंजी बन के तैयार होंगे है। झटपट बनने वाली रैसपी है जी नवे ये तरीके आप ब्रैड पकौड़े ये बनाए हैं। जेकर थोड़ा वीडियो वधिया लगी तो वीडियो में अगे शेयर वध करो जी अपने चैनल में जो हमने सबसक्राइब कर लो देखो किन्ने वधिया बन के तैयार हो गए। या भी अपने गरम गरम ब्रैड पकौड़े बन के हो गए जी तैयार है। तुम नवे तरीके जो जरूर करे ट्राई करो इस रैसपी में जेकर वीडियो वधिया लगी लाइक जरूर करो शेयर वध करो जी चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लियो जी। आप मिलेंगे नैक्सट वीडियो ना तद तक जी तुम सारे सत श्रीकाल जी। सारे ब्रैड पकौड़े बन के जी गरम गरम हो गया तैयार हूँ एक ब्रैड पकौड़े की आप कटिंग करते हैं। तो देखो जी किन्नी वधिया जी स्टफिंग भर के तैयार हुई है स्पैशली जी आप लेयर बनाई है ना बेसन की वह कि जी नरम बन के तैयार हुई तो किन्ने स्पंजी ब्रैड पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। ये जरूर तुम इस रैसपी घर ट्राई करो तो बाद कमेंट करके जरूर दस्यो।